के मन में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स आते हैं कि काजू हो गए, बादाम हो गए, किशमिश हो गए, मूंगफली खाकर बॉडी बिल्डर बन जाए। पहले अगर हम बात कर लें आपके नाश्ते की, अगर आप घर से जा रहे हैं तो नाश्ते में आप अपनी माँ से पकवान जरूर बना लेना। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में आप काजू 100% लेना, आधा केजी काजू लेना, किशमिश आधा केजी ले लेना, बादाम। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ट्रेनिंग का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारी डाइट, क्योंकि जब तक हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी हम ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, सबों के मन में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स आते हैं कि काजू हो गए, बादाम हो गए, किशमिश हो गए, मूंगफली खाकर बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ, घर से क्या बनवाकर ले जाना है, अपनी माँ के हाथों का क्या क्या बनवाकर लेकर जाना है, आज के वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि आज का वीडियो आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपके ट्रेनिंग के डाइट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब तक बेहतरीन से बेहतरीन डाइट्स नहीं लोगे तब तक आप अपनी ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। तो चलो, ट्रेनिंग के समय हमें क्या खाना चाहिए, किन सामानों को अवॉइड करना चाहिए, कौन से फ्रूट्स लेना चाहिए, घी और सरसों तेल का क्या रोल होता है, नारियल पानी या सेब हो या कीवी फल का क्या रोल होता है, आज के वीडियो में जान लेंगे। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हो सकता है आपके कोई रिलेटेड एसएससी जीडी में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जॉब करते होंगे, या आपके सोसाइटी वाले, आपके आसपास वाले, आपके दोस्त वाले बोल रहे होंगे कि एसएससी जीडी की ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, किसी तरह ट्रेनिंग कर लेना। ट्रेनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, ट्रेनिंग से आपको डरना नहीं है। एसएससी जीडी का ट्रेनिंग बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, इतना आसान होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन ट्रेनिंग के दरमियान हमें अपने डाइट्स पर ध्यान देना है कि कौन से डाइट्स लेना है, कौन से डाइट्स नहीं लेना है। तो आज आपके जो डाइट्स का वीडियो है स्पेशल होने वाला है। तो चलो देखते हैं कि ट्रेनिंग के समय हमें कौन कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर में, आप लोग अपने घर से ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हो तो नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, या इवनिंग रिफ्रेशमेंट के लिए, या सुबह सुबह चना खाने का आपका मन करे तो आपने ढेर सारे जो है रूटीन बनाए होंगे, या माँ को बताया होगा, पकवान बना देना, नमकीन बना देना, कुछ मिक्सचर बना देना। तो जानते हैं कि कौन कौन सा ज्यादा इंपोर्टेंस है और हमें क्या लेकर जाना है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपके नाश्ते की, अगर आप घर से जा रहे हैं तो नाश्ते में आप अपनी माँ से पकवान जरूर बना लेना। ऐसे पकवान ज्यादातर मैदा और सूजी का बनाया जाता है, लेकिन कोशिश करना आप गेहूं का बनाना, क्योंकि अगर गेहूं का आप पकवान बनाते हो तो उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी रहती है, जबकि सूजी और मैदा वाले में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती है। दूसरी बात जो हमारी आती है वो आती है नमकीन की। नमकीन की आप लोग देखते होंगे मैदा का एक नमकीन बनता है छोटा छोटा वाला, तो वो नमकीन भी अपने माँ से बनवा लेना, क्योंकि वहां जब जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़े भूख लगेंगे, और ऐसा नहीं है कि जाने के साथ आपको मैच तो मिल ही जाएगा, लेकिन चूंकि फौज में 3 रूटीन है, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच और शाम 7 बजे डिनर, तो हो सकता है आपको कुछ भूख लगे नया नया, क्योंकि घर में तो हम कम से कम 5-6 बार खा लेते हैं, तो उसके लिए थोड़े नमकीन भी बनवा लेना, थोड़ा चूरा फ्राई करवा लेना, ज्यादा नहीं करवाना है। पकवान जैसे 1 केजी का बना लिए, उसके बाद आपका नमकीन 1 पैकेट ले लिए, चूरा फ्राई 1 केजी का करवा लिए, और मिक्सचर, मिक्सचर हम लोग डालमोट को बोलते हैं, थोड़ा अपने साथ डालमोट भी रख लेना। तो नाश्ते में आपको ज्यादा बनाकर नहीं ले जाना है, पकवान ले जाना है, नमकीन ले जाना है, चूरा फ्राई ले जाना है, और मिक्सचर ले जाना है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर में ड्राई फ्रूट की। देखो ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स कम लेना है, आधा आधा केजी ही लेना है, क्योंकि जब आप, जरूरी नहीं है कि इतना लगेज लेकर, इतना ज्यादा भारी सामान लेकर जाए, जब आप वहां ज्वाइन कर लोगे 4-5 दिनों के बाद आपको कैंटीन जाने के लिए मिलेगा, तो वहां जो वेट कैंटीन है, तो वेट कैंटीन से आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको खरीद लेना, और 30% के मतलब छूट पर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो घर से अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में आप काजू 100% लेना, आधा केजी काजू लेना, किशमिश आधा केजी ले लेना, बादाम आधा केजी ले लेना, और मूंगफली आधा केजी ले लेना। सिर्फ 4 आइटम, काजू, किशमिश, बादाम और मूंगफली। अब हमारे ढेर सारे भाई सोचते हैं कि 10 काजू, 10 मूंगफली, 10 किशमिश, 10 बादाम लेकर खा जाओ तो ढेर सारी एनर्जी आ जाएगी, बॉडी बन जाएगी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उतना ही खाओ जितना आपका लीवर पचा पाए, वरना ढेर सारा काजू किशमिश खा लोगे और पोटी जाओगे, सारा निकल जाएगा। ध्यान रखना जब भी ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, ज्यादा नहीं, 4 काजू, 4 बादाम,
10 मूंगफली और लगभग 12-15 के रेशियो में किशमिश ले लेना। ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। हम लोगों की गलत फहमी होती है कि काजू हो या बादाम हो बहुत ज्यादा खा लेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने देख लिया फर्स्ट में नाश्ता में आपको क्या ले लेना है और सेकंड में आपको ड्राई फ्रूट्स में क्या लेना है। थर्ड नंबर में आता है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा थर्ड नंबर, क्योंकि यही थर्ड नंबर आपको ट्रेनिंग करवाएगा, यही थर्ड नंबर आपको बताएगा कि आपकी ट्रेनिंग कितने आसान तरीके से होगी। तो सबसे पहले आप अपने घर से सरसों तेल ले लेना, क्योंकि जब तक संभव हो अपने घर का देसी सरसों तेल कम से कम 3 से 4 लीटर ले लेना। देखो हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है तो हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि सरसों तेल जो है हमारा रामबाण है, वो औषधि है। जब रात में सोने लगो पूरे बॉडी का सरसों तेल से अच्छे से एकदम चपचपा के मालिश कर देना, ज्यादा से ज्यादा सरसों तेल शरीर को पिलाना, और कपड़ा गंदा होने की टेंशन नहीं करना, आपकी बहुत सैलरी आएगी। ज्यादा अगर टेंशन होता है 1 या 2 कपड़ा बना लो जिसे पहनकर सोना है, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको बॉडी पेयर भी मिलेगा। जैसे मेरा चेस्ट नंबर 1 और कोई चेस्ट नंबर 2, तो 1 और 2 बॉडी पेयर हो गया, तो 1 नंबर 2 नंबर को मालिश कर दिया, 2 नंबर 1 नंबर को मालिश कर दिया। तो अच्छे से मालिश करवानी है। सरसों तेल बिना लगाए ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं सोना है। और सरसों तेल कितना लेना है, कम से कम आपको 3 से 4 लीटर सरसों तेल लेकर जाना है। दूसरा जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है घी। आप लोग घी को अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको मालूम है जब हम लोगों के घुटने में, सिन पेन में, थाई मसल्स में, शोल्डर में, कंधे में दर्द होते थे तो हम लोग घी को नॉर्मल पी जाते थे, 100-200 ग्राम घी तो ट्रेनिंग के समय ऐसे पी जाते थे। तो घी पर ध्यान देना है। ट्रेनिंग के दरमियान समय कम मिलता है तो हम चावल या दाल में घी मिलाकर नहीं खा सकते हैं, तो नॉर्मल चावल दाल खाए और आके 4-5 चम्मच घी ले लिए। तो अपने साथ कम से कम घी भी 3 से 4 केजी जरूर लेकर जाना, घी भी कम से कम 3 से 4 केजी जरूर लेकर जाना है। तीसरा आता है तिल का लड्डू। जी हाँ, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कमी कैल्शियम की होती है, और कैल्शियम की कमी के ही कारण हमारे हड्डियों में दर्द होते हैं। तो तिल में बहुत ही ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो ट्रेनिंग सेंटर के बाहर ढेर सारे दुकान रहते हैं, वहां पर आपको तिल का लड्डू मिलेगा ही मिलेगा। 95 रुपए में पैकेट देते हैं, लगभग 10-12 होते हैं। तो पर डे आपको 2 तिल का लड्डू जरूर खाना है, ध्यान से खाना है, क्योंकि तिल का लड्डू जब खाओगे तो आपके हड्डियों में दर्द नहीं होंगे। तो तिल का लड्डू एक जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे मैंने भी पीकर अपनी ट्रेनिंग पार करी है, वो है नारियल पानी। जी हाँ, हमारे एक दोस्त थे अंकित भैया, उन्होंने बताया था नारियल पानी पर डे 30 या 35 रुपए में आपको नारियल पानी देंगे, तो पर डे आप 1 नारियल पानी जरूर पीना। देखो वहां क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर में फ्रेश लेने के लिए जाते हैं, हमारी गाड़ियां जाती है, तो अगर फ्रेश में आप नारियल पानी मंगवाते हो तो आपको 15 या 20 रुपए में ही मिल जाएंगे। तो हम लोग तो अपने सारे फ्रूट्स फ्रेश में ही मंगवा लेते थे। जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे, ज्वाइनिंग कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रेश होता क्या है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स में हमारे लिए सेब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद आपको अंगूर भी खाना है। कीवी फल आप लोग देखते होंगे 90 रुपये में एक प्लास्टिक वाले पैकेट में कीवी फल होता है, तो कीवी फल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको नाशपाती, वो जो हम लोग नारंगी बोलते हैं, नारंगी में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, तो नाशपाती लेना है। और फास्ट फूड, हम लोग जो पिज्जा बर्गर वगैरह ये सब खाते हैं, तो फास्ट फूड को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि फास्ट फूड हमारे लिए हानिकारक ही होता है। हाँ, अगर आपके कभी मन में आए, किसी दिन दिल करे कि चलो थोड़ा सा फास्ट फूड खा लें, तो आप ऑनलाइन जोमेटो से मंगवा लेना। लेकिन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है? सरसों तेल पर ध्यान देना है। सोने से पहले पूरी मालिश करके ही सोना है। घी ज्यादा से ज्यादा खाना है। नारियल पानी डेली 1 पीना है। और तिल का लड्डू 2 जरूर खाना है। आपकी ट्रेनिंग बहुत ही आराम से कट जाएगी। तो मैं अभी आया हुआ हूँ घर पर, मैं अपने घर पर हूँ। अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है, पर्सनल क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।